हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम वेट केयर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है पशुओं में, उसको कौन कौन से डिजीज में अपन लगा सकते हैं और उसके देने के जो क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या उसके फायदे हैं। तो आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि उसको कौन से रूट से लगाना है, किन किन पशुओं में कितनी कितनी इसकी डोज लगानी है। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए और साथ ही आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोक्लोराइडिक इंजेक्शन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को किल करने का काम करती है। यानी आप इसको जितनी भी जो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या फिर प्रोटोजोअल है, यानी किसी प्रकार का जो इन्फेक्टेड बीमारी है उसमें आप इसको काम में ले सकते हो। इसमें इसके काफी अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जो वेटनरियन होते हैं वो ज्यादातर जो 50 mg/ml जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आता है वो फील्ड में काम में लेते हैं, जो कि आपको वीडियो में दिखी रही है। इसके लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी काफी हद तक हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। यानी ये जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं, जो गैबिन पशु है, यानी मान लीजिए आपका जो पशु है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गैबिन है, तब आप इस इंजेक्शन को लगाने से बचें, क्योंकि उस टाइम ये अबॉर्शन की स्थिति उसमें पैदा कर देगा। यानी सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में तो इसको ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में इसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको गैबिन पशुओं में लगाना भी वो अनसेफ माना गया है। दूसरा, छोटे जो काल भेड़ बकरियां होती है उनमें काफी हद तक जलन भी पैदा करता है, तो इसलिए आप उनको इंट्रामस्कुलर ना लगाकर उनको इंट्रावेनस लगाए ताकि उनको जलन है वो काफी कम हो। और जो दुधारू पशु होते हैं उनका ये दूध भी कम करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो गैबिन पशु होते हैं उनमें ये जो वेटनरियन होते हैं वो लगा देते हैं, और लगाने के बाद में क्या करते हैं, उसमें जो ड्यूराप्रोजोन जो इंजेक्शन आता है, हार्मोनल इंजेक्शन जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है, फिर वो इंजेक्शन उनको लगा देते हैं। और वो लगाएंगे तो यानी पशु के शरीर में प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की जो मात्रा वो बढ़ जाएगी और ऑक्सीटोक्सिन की मात्रा वो घट जाएगी। और आपको पता भी है जो मिल्क रिलीजन का काम करता है वो करता है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, इसलिए उनका जो दुधारू पशु है उनमें भी इनका दूध है वो कम हो जाएगा अगर आप ये एंटीबायोटिक है वो यूज में लोगे तो। और साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, साथ में आपको जो कार्बोरल आता है, माइफेक्स आता है, सीबीजी आता है, उनको आप उसके साथ में ना लगाए। यानी जो जितनी भी जो कैल्शियम वाली जो कार्बोरल, माइफेक्स, सीबीजी, इनके साथ में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन वो ना लगाए, इससे आपके पशु की डेथ भी हो सकती है, उनको भयंकर इसका शौक लगता है, इसलिए आप इसमें भी उसको लगाने से बचें। और इसकी जो डोज रेट होती है वो छोटे भेड़ बकरियां हैं जैसे काल्फ हो गए, छोटे मेमने हो गए, उनमें आपको 5 ml से 20 ml तक आप उसमें बॉडी वेट के अनुसार आप उसको लगा सकते हो। और जो जैसे बड़े जो पशु है जैसे गाय भैंस है उनमें आप 20 ml से 50 ml तक आप उसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, इंट्रावेनस भी लगा सकते हो और उसको सबकट भी लगा सकते हो। जरूरत पड़ने पर आप उसकी डोज है वो कम और अधिक कर सकते हो। साथ ही में इसका एक साइड इफेक्ट्स और है, यानी कुछ जो वेटनरियन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इंट्रायूटेराइन भी करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसको इंट्रायूटेराइन करोगे तो पशु के जो यूट्रस में पहले से उसमें संक्रमण फैला हुआ है और ये संक्रमण को किल करने के लिए वहां पर ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन से क्या होगा, पशु के शरीर में बहुत ज्यादा जलन होगी। तो इसलिए आप इसको इंट्रायूटेराइन करने से भी बचे, क्योंकि ये पशु को बहुत ज्यादा इचिंग और जलन पैदा करेगा। आप इसको जितनी भी जो बैक्टीरियल है, वायरल है और प्रोटोजोअल जितनी भी इंफेक्टेड जितनी भी जो बीमारियां हैं आप उसको उनमें लगा सकते हो। इसमें जैसे HS हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, मेस्टाइटिस हो गया। मेस्टाइटिस में क्या करते हो, आप इसको इंट्रामेमोरियल चढ़ाते हो, इंट्रामेमोरियल की डोज है वो 6 ml आप इसको इंट्रामेमोरियल वो चढ़ा सकते हो। साथ में यानी घाव हो गया, ब्रन हो गया पशुओं में, घाव को साफ करने के लिए भी आप इसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को वो आप काम में ले सकते हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन में काम में ले सकते हो। रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी निमोनिया जैसी संबंधी जितनी भी जो बीमारियां हैं, रेस्पायरेटिंग सिस्टम से जितनी भी जो बीमारियां उसमें भी काम में ले सकते हो। और साथ में जो प्रोटोजोअल डिजीज यानी एनाप्लाज्मा और थाइलेरिया, एनाप्लाज्मा में भी ऑक्सी का काफी अच्छा वो रिजल्ट है, आप एनाप्लाज्मा में भी इसको लगा सकते हो। और इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम भी आप इसको लगा सकते हो, उसमें भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को।
तो फ्रेंड्स ये था मार्केट में आने वाली जो एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक के बारे में। यदि आपको मेरे ऐसे ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं जल्दी आपके लिए जो ऑक्सी एल आता है डिहाइड्रेट ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आता है उसके बारे में भी आपके लिए जल्द से वीडियो लेकर आने वाला हूं। इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।